भारत में योग की परंपरा प्राचीन काल से है। योग भारतवासियों की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। शरीर को स्वस्थ रखने में योग काफी असरदार होता है। रोजाना योग अभ्यास से शरीर फिट रहता है। विश्व में योग को पहचान दिलाने में भारत का अहम योगदान है। भारत की वजह से ही योग को सम्मान मिला है। अब योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल विश्व भर में योग दिवस मनाया जा रहा है। योग दिवस में हर साल एक थीम निर्धारित की जाती है। इस बार की थीम है वन वर्ल्ड वन हेल्थ। ये थीम वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर रखी गई है। हर साल 21 जून को ही योग दिवस मनाया जाता है। इसी तारीख को योग दिवस मनाने की खास वजह है। तो चलिए आपको बताते हैं कि योग दिवस की शुरुआत कैसे हुई और ये 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है। योग दिवस पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में पीएम मोदी का खास योगदान है। साल 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देते हुए 21 जून को योग दिवस मनाने का प्रस्ताव पेश किया था। 11 दिसंबर 2014 को मोदी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और इस तरह से 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई। अब हर साल इसी तारीख को ये दिवस मनाया जाता है। दरअसल इसके पीछे खास वजह है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है और इसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। भारतीय परंपरा के मुताबिक ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन होता है। माना जाता है कि सूर्य दक्षिणायन का समय आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए काफी फायदेमंद है। साथ ही योग भी मनुष्य को लंबी आयु प्रदान करता है, इसलिए योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योग दिवस केवल एक दिन नहीं बल्कि स्वस्थ रहने के लिए हर दिन व्यक्ति को कुछ प्राणायाम और आसन नियमित रूप से करना चाहिए जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। खास करके ये 5 आसन अपनी सेहत के अनुसार सभी को जरूर करना चाहिए। बालासन, सुखासन, अधोमुख, सर्वासन, ताड़ासन और त्रिकोणासन। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते पढ़ते रहिए ललूराम.com। शुक्रिया।